हे गाइस वेलकम बैक। तो जैसा कि आप सब जानते हो, इस चैनल पे एक सीरीज चल रहा है FL Studio मोबाइल प्लगइन्स का, और इस सीरीज के पहले वीडियो में हमने देखा है कि स्टीरियोराइजर कैसे काम करता है। अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन पे मैं उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहाँ पे जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मल्टीबैंड कंप्रेसर के बारे में। आप में से बहुत सारे लोग शायद नहीं जानते हो, या शायद कुछ ही लोगों को पता है मल्टीबैंड कंप्रेसर के बारे में। इस प्लगइन को अगर आपने सही तरीके से चलाना सीख गए तो आपका जो सॉन्ग या फिर बीट्स की साउंड क्वालिटी 10 times बढ़ जाएगा, ये मेरी गारंटी है। ये एक मास्टरिंग प्लगइन है, जैसे FLPC में मैक्सिमस होता है, एकदम सेम। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है सभी FL Studio मोबाइल यूजर्स के लिए, तो इस वीडियो को पूरा देखना, ये रिक्वेस्ट है मेरी। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, मैंने एक बीट लेके रखा है, ठीक है, और उसी के मास्टर चैनल पे मैंने एक FX लेवलर, उसके बाद मल्टीबैंड कंप्रेसर और उसके बाद एक एनालाइजर डाल के रखा है मास्टर चैनल पे। तो अब मैं आप सबको मल्टीबैंड कंप्रेसर की एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ इस प्लगइन के बारे में, ठीक है। यहाँ पे देखो, लो है, मिड है और हाई है। तो लो बैंड है, मिड बैंड है और हाई बैंड है। ये तीनों बैंड को हम इस मल्टीबैंड कंप्रेसर के अंदर अलग अलग तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। कैसे? हम इस लो फ्रीक्वेंसी को अलग तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मिड बैंड को अलग तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, और यहाँ पे हाई बैंड को भी अलग तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं। बेसिकली इसका मतलब ये हुआ कि सेपरेटली हम हर एक बैंड को इस मल्टीबैंड कंप्रेसर के अंदर कंप्रेस कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे आपका जो सॉन्ग की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा इन्हांस हो सकता है, ठीक है। आप हाइस को थोड़ा सा हाई कर सकते हो, बूस्ट कर सकते हो, मिड बैंड को थोड़ा सा कंप्रेस कर सकते हो, लो को थोड़ा सा डाउन कर सकते हो, कुछ भी आपके हिसाब से जो भी हो आप इस मल्टीबैंड कंप्रेसर के ज़रिए कर सकते हो। तो देखो, सबसे पहला काम जो हमारा रहेगा वो बेसिकली ये होगा कि लो, मिड और हाई फ्रीक्वेंसी रेंज को सेट करना। तो किस तरह से हम सेट करेंगे? तो यहाँ पे देखो, लो है, मिड है और हाई है, ठीक है। तो लो पे अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो सारे जो इस बीट की जो लो फ्रीक्वेंसीज़ है वही हमें सुनाई देंगे। तो एक बार देखो, मैंने लो पे सेट किया है, और यहाँ पे देखो, देखा। तो यहाँ पे लो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए हमारे पास एक फेडर है। इस फेडर के ऊपर आप देख सकते हो लो फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको छेड़ते हुए हमें सेट करना होगा कि कहाँ तक हमारी लो फ्रीक्वेंसी जो है वो हमें चाहिए, ठीक है, अपने बीट के हिसाब से। तो मैं इसे सेट करता हूँ, अब देखो। तो यहाँ तक लो फ्रीक्वेंसी को मैंने करीब 160 के अराउंड रखा है, ठीक है। तो इसके बाद अब हम कर लेते हैं हाई फ्रीक्वेंसी को सेट। तो 4000 पे मैंने अपना जो हाई फ्रीक्वेंसी से वो सेट कर दिया है। तो अब यहाँ पे देखो, लो फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए एक बैंड है, एक फेडर है, और हाई फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए दूसरा फेडर है। यहाँ पे मिड फ्रीक्वेंसी सेट करने के लिए कोई फेडर नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखो, लो और हाई को अगर आप सेट कर दोगे तो मिड वाली जो बचती है वही हमारा मिड फ्रीक्वेंसी हो जाती है ना। तो यहाँ पे देखो, लो मैंने सेट कर दिया है 160 पे, ठीक है, और हाई फ्रीक्वेंसी मैंने सेट कर दिया है 4 kHz पे। तो उसके बीच वाली जो फ्रीक्वेंसीज़ है वही मिड फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली सेट हो जाती है। तो यहाँ पे मैं मिड सिलेक्ट करता हूँ, आप देखो मिड ऑटोमेटिक सिलेक्ट हो गया है। तो यहाँ पे मैं मिड सिलेक्ट करता हूँ और आप देखो कि यहाँ पे मिड ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आप देखोगे, ये देखो,
तो इस तरह से हमें अपना फ्रीक्वेंसी बैंड्स जो है उसे सिलेक्ट करना होता है लो मिड और हाई के हिसाब से। अपने गाने या बीट जो भी है उसके हिसाब से हमें सेट करना होता है। इसे सेट करने के लिए कोई भी एक एग्जैक्ट पॉइंट या फिर कुछ नहीं होता कि यहीं पे हमें सेट करना होगा कि लो इतना होगा, मिड इतना होगा, हाई इतना होगा, नहीं, इस तरह से नहीं होता है। आपका बीट्स या सॉन्ग की जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से हमें उसे सेट करना होता है। धीरे धीरे आप सीख जाओगे ये सेट करना, ठीक है। तो हमने फ्रीक्वेंसी रेंज जो है वो सेट कैसे करते हैं वो हमने देख लिया है। अब बारी आती है मास्टरिंग की। मास्टरिंग मीन्स हर एक बैंड को एक एक करके कंप्रेस करना। जैसे कि यहाँ पे देखो, लो, मिड और हाई, ये जो तीन बैंड्स हमने सिलेक्ट किए थे उस पर्टिकुलर बैंड्स को हमें अब कंप्रेस करना है, ठीक है। तो उसके लिए मैं पहले लो बैंड को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसको मैं कंप्रेस करता हूँ, अब देखते जाओ। तो लो फ्रीक्वेंसीज़ को मैंने इस तरह से कंप्रेस किया है। अब मिड फ्रीक्वेंसी को हम कंप्रेस करेंगे। आप यहाँ पे देखो, एक सोलो बटन है। अब हर एक फ्रीक्वेंसी बैंड पे जाके उसको सोलो कर लेना ताकि आपको अच्छी तरह से साउंड जो है सुनाई दे, ठीक है। तो मिड फ्रीक्वेंसी जो है उसको मैंने इस तरह से कंप्रेस किया है, ज़्यादा कंप्रेस नहीं किया है। अब हाई फ्रीक्वेंसी को कंप्रेस करते हैं।
और अब हमें गेन को बढ़ाना होगा, ठीक है। गेन को हमें 0 dB तक लेके जाना होगा। तो इसके लिए मैं एक लेवलर और एक ऐड करता हूँ और इसको मूव अप करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आप देखो -6 के अराउंड आ रहा है, ठीक है। इसको हमें यहाँ 0 तक लेके जाना है। तो गेन को बढ़ाने के लिए यहाँ पे देखो एक गेन नॉब है, ठीक है, एक गेन फेडर दिया हुआ है। इससे हम गेन को बढ़ाएंगे जब तक हमारा साउंड 0 को टच कर रहा हो, ठीक है। तब तक हम इस गेन नॉब को ऊपर उठाते जाएंगे और देखेंगे, जब 0 पे आ जाएगा तब हम उसको छोड़ देंगे। तो आप जैसे कि देख सकते हो 0 यहाँ पे टच कर रहा है 0 पे, ठीक है। एक्चुअली 0 को थोड़ा सा क्रॉस कर रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ से एक लिमिटर ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं बाद में करूँगा। तो इसके बाद आप यहाँ पे देखो विड्थ का 3 नॉब दिया हुआ है, विड्थ का 3 फेडर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखो लो विड्थ, मिड विड्थ और हाई विड्थ। अब विड्थ क्या है? ये विड्थ बेसिकली एक स्टीरियो कह सकते हो आप। आपकी जो फ्रीक्वेंसीज है, आप चाहो तो लो फ्रीक्वेंसी को स्टीरियो कर सकते हो। अगर आप इसको ऊपर उठा दोगे तो ये स्टीरियो साउंड करेगा, सिर्फ लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है। और अगर आप इसको डाउन कर दोगे, नैरो कर दोगे, तो आपका जो लो फ्रीक्वेंसी का साउंड है वो मोनो हो जाएगा, ठीक है। जितना आप नीचे लाते जाओगे उतना मोनो होता जाएगा, और जितना आप ऊपर उठाते जाओगे उतना वो स्टीरियो साउंड करने लगेगा। तो बेसिकली लो फ्रिक्वेंसी जो होती है वो मोनो में ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो उसे हम मोनो ही रखेंगे। और इसके बाद आता है मिड विड्थ। इसको भी आप नीचे करोगे तो ये मर्ज होता जाएगा, मोनो होता जाएगा, और ऊपर उठाओगे तो सेपरेट होता जाएगा, ठीक है, वो स्टीरियो होता जाएगा। सेम यहाँ पे भी, हाई फ्रिक्वेंसीज पे भी आप ऊपर उठाओगे जितना उतना वो फैलता जाएगा, स्टीरियो होता जाएगा, और नीचे जितना करोगे उतना वो मर्ज होता जाएगा, बेसिकली मोनो होता जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसके नीचे एक है फुल और एक है सेव, ठीक है। इसे मैं आपको बताता हूँ, पहले आप इसको देखो, इसको मैं दिखाता हूँ बीट को प्ले करके, इसे आप देखना, ठीक है, सुनना, सुन के पता लगाने की कोशिश करना क्या हो रहा है। देखो मैंने इसको जितना नीचे कर दिया है, एकदम नीचे कर दिया है, ठीक है। इसके लिए वो एकदम पूरा मोनो साउंड कर रहा है, जैसे कि एकदम बीच में, एकदम सेंटर में हमारा जो बेस है वो आ रहा है, ठीक है। और इसको मैं जैसे ही ऊपर करूँगा देखना वो थोड़ा सा फैल जाएगा। तो इसे मैं करीबन 50% तक सेट कर देता हूँ, ठीक है, मोनो ही साउंड करता अच्छा है। ये कुछ यहाँ पे मैंने इसको सेट कर दिया है। अब मिड फ्रीक्वेंसी को सुनते हैं। तो मिड फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए मैंने यहाँ पे मिड सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं इस नॉब को छेड़ूंगा, ठीक है। अब देखो जैसे ही मैंने मिड फ्रीक्वेंसी मिड विड्थ को जैसे ही इसको नीचे किया इस फेडर को, तो वैसे ही वो एकदम से सेंटर में साउंड आ गया, जो स्टीरियो फैला हुआ साउंड था, आप नोटिस करो। पहले इस तरह का था, अब
मैंने बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा वाइट कर दिया है, एकदम थोड़ा सा। अब हाई को देखते हैं, यहाँ पे हम पहले हाई को सिलेक्ट कर लेते हैं, उसके बाद हाइज। ठीक है, तो मैंने हाइस को कुछ यहाँ पे रख दिया है। अब इसे मैं सोलो से हटाता हूँ। अब रिजल्ट देखो। ठीक है, अब ये तो फुल मोड हो गया। अब मैं इसे सेफ मोड में कैसे यूज़ करते हैं वो मैं दिखाता हूँ। देखो, अगर मैं इस नॉब को यहाँ पे फुल कर देता हूँ और इसे प्ले करता हूँ, तो देखो कैसा साउंड करता है ये। लग रहा है ना, एकदम फ्रिक्वेंसीज ब्लोन आउट हो चुके हैं। ठीक है, अब देखो इसको मैं सेफ मोड में दे देता हूँ। अब प्ले करते हैं। देखो, मैंने इसको नहीं छेड़ा है, बस इसको फुल से सेफ मोड पर दिया है। ठीक है, अब चेंजेस देखो। बेसिकली ये सेफ मोड भी है, जो स्टीरियो विड्थ का जो अमाउंट हमने जो एकदम हाई कर दिया है, इसको ये रिड्यूस करता है और एक सेफ पोजीशन पे आके रुकता है, ताकि वो ब्लोन आउट साउंड ना करे। ठीक है, सेफ मोड का यही मतलब होता है। आप एक्सट्रीम भी इस इफेक्ट को अप्लाई कर दोगे तो वो सेफ मोड सिलेक्ट कर दोगे तो वो अच्छा साउंड करेगा। इस तरह से इसका सेफ मोड का यूज़ होता है। ठीक है, अब पारी आती है ड्राई मिक्स का। ये ड्राई मिक्स बेसिकली एक पैरेलल कंप्रेशन है, ये एक अलग टॉपिक है। इसको आप यूज़ नहीं करो तो ठीक है, ये जैसा है वैसा ही रहने दो। ठीक है, तो इस तरह से आप अपने सॉन्ग्स को मास्टर कर सकते हो। और मैंने यहाँ पे इस वीडियो पे कंप्रेशन को ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, क्योंकि कंप्रेशन एक अलग टॉपिक है और मैं उसके बारे में बताता जाता तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाता, इसलिए मैंने नहीं बताया है। तो आप इस प्लगइन के थ्रू, इस मल्टीबैंड कंप्रेसर के थ्रू, अपने किसी भी गाने हो या जो कुछ भी हो, बीट हो, आप एकदम प्रीमियम क्वालिटी, हाई क्वालिटी में अपना जो है मास्टर कर सकते हो। ये एक बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही इस वीडियो में। मैं आशा करूँगा आप सबको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आए तो इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे इसके अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।